लॉर्ड मेयर साहब जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मेयर साहब, ग्रीन एंड क्लीन मुहिम में आपको पूछा ही नहीं किसी ने, आपका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं, आप किस चीज़ के फिर मेयर हैं और आपको कोई पूछता ही नहीं ना कोई बुलाता है, इससे ज़्यादा बेतुकी और क्या होगी। वो कहता है इससे बड़ी बेरुखी और क्या होगी कि एक मुद्दत से उसने हमें सताया ही नहीं, तो ये बेतुकीरी की आखिरी स्टेज है सर। देखें, ये बेतुकीरी मेरी नहीं है, ये बेतुकीरी करने की कोशिश की जा रही है निज़ाम की, पाकिस्तान और पंजाब और ज़िला लाहौर के कानून की। 2013 का कानून मौजूद है, उसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो हमें मिले हुए हैं, और पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत सारे महकमे बनाए हुए हैं जो क्लीन और ग्रीन के साथ मुंसलिक हैं। चलें, मुझे ना पूछें, कोई बात नहीं, हम पॉलिटिकल लोग हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं। इतनी प्यारी ड्रेसिंग और कम्बिनेशन के बाद कितने खूबसूरत आपने कपड़े पहने हैं, ये इंग्लिश फिल्मों में जेम्स बॉन्ड 007 की सीरीज़ में पहना करता था, इतने खूबसूरत लिबास के बाद भी आपको ना पूछा जाना। I wish के लिबासों के ऊपर बात होती, मगर फैसले जहां कौमी हूं, जहां आवाम की सिलसिले में उनकी रहनुमाई, उनकी इम्पोर्टेंस वहां इन्वॉल्व हो, वहां ये लिबास वगैरह जो होते हैं ना, ये मैटर नहीं करते। इट इज़ द मैन बिहाइंड द गन मैटर नहीं करती, और जो फिलॉसफी होती है ना वो होती है, बंदूकें तो बहुत लोग खरीद लेते हैं, उनको चलाना कैसे है, उस निज़ाम को बनाना कैसे है। आप मुझे ये बताएं, PHA नहीं है लाहौर में, पूरे पंजाब की हार्टिकल्चर अथॉरिटी है ना, तो अगर आप ग्रीन पंजाब बना रहे हैं तो उसको क्यों नहीं पूछा गया, जिनका ये ड्यूटी है, जिनके पास डायरेक्टर्स हैं, जिनके पास माली हैं, जिनके पास एक्सपर्टीज है, जिनको पता है कि लाहौर में कहाँ कहाँ पर पौधे लगने हैं, कहाँ जगह है, कहाँ गुंजाइश है, उनको भी नहीं पूछा गया। LWMC भाई बनी हुई है ना, तो आप ये कहते हैं कि गली मोहल्लों में जो हमारे वो हैं, वो क्या उनको कहते हैं, नुमाइंदे PTI के, उनसे पूछा जाए तो ना वो बता सकते हैं, जो इलेक्टेड लोग हैं, मेरे चेयरमैन हैं, मेरे डेप्टी मेयर्स हैं, उनको एक एक गली का पता है। हमने यही जो आज इन्होंने मुझसे ये कहा है कि जी ट्रैक्टर और ट्रॉलियाँ दें हर जोन में दो दो, भी दे देते हैं, पैसा ही बर्बाद करना है ना, डिप्टी कमिश्नर ने कह दिया या सेक्रेटरी ने कह दिया, तो जो लोग LWMC का जो अमला है उनको हर गली और मोहल्ले का पता है, मेरे चेयरमैनों को हर गली मोहल्ले का पता है, एक दिन अगर आप दे देते LWMC को कि आज आपने गंद के साथ जो सॉलिड वेस्ट है उसके साथ जहां जहां मलबा पड़ा है उसको उठा लेना, उसको उठाने के ऊपर जो खर्चा आना था वो कहीं कम होना था, जो आपने 7 दिन के लिए हर जोन को दो दो ट्रैक्टर और दो दो ट्रालियों का हुक्म किया है MCL का, तो इसमें अगर मेरी बेतुकीरी नहीं है, ये बेतुकीरी किसकी है, दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। डिप्टी कमिश्नर जो है वो मेरे दफ्तर के अमले को बुला लेती है कि जी उधर पता नहीं 12 क्रेने दे दें और 12 ट्रैक्टर्स दे दें, भाई किस लिए, मेयर किस लिए खड़ा है, ये वो तो सरकारी मुलाजिम है बेचारे, वो तो कांपने लग जाते हैं ब्यूरोक्रेट्स के सामने, कॉर्पोरेशन के अफसर जो हैं वो मेरा ख्याल है सबसे लोएस्ट ग्रेड में आते हैं सरकारी मुलाजमीन की, जब आप सिविल सर्विसेज में जाएं, DMG ग्रुप देखें, फॉरेन सर्विसेज देखें, सेक्रेटेरिएट की सर्विसेज देखें, तो वो तो सबसे वो उनके ऊपर हर एक चढ़ाई कर देता है। मैं यहाँ 7 दिन के लिए नहीं था, मैं किधर था, मेरे से ये भी आप पूछें, मैं टर्की गया हुआ था, वहाँ पर किस लिए गया था, स्मार्ट सिटीज बनाने की इंटरनेशनल कांग्रेस हो रही थी, वहाँ मैं गया था, मैंने पूरा अपने पाकिस्तान का एक नुक्ता नज़र बयान किया कि और मेरे से पूछा गया कि लाहौर को आप स्मार्ट सिटी बनाने के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं, वहाँ मैंने हर वो काम बगैर किसी पार्टी का नाम लिए, वहाँ मैंने पाकिस्तान की बात करनी थी, लाहौर की बात करनी थी कि हम स्मार्ट सिटीज़ की तरफ यूँ बढ़ रहे हैं, हर चीज़ जो है वो कंप्यूटराइज्ड हो गई है, आर्टिफिशियल इंफॉर्मेशन की तरफ जो है वो जा रहे हैं हम, उससे लेके और हर चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, सारे लाहौर में क्राइम रेट कम हो गया है, सारे लाहौर में जो अभी आपने देखे हैं सिग्नल्स के थ्रू वायलेशंस हो रही हैं कैमराज के थ्रू, वहाँ पर पहले महीने बेतहाशा चालान हुए, उसके बाद चालान कम हो गए, चालानों की फीस लोगों को कम पड़नी शुरू हो गई, उसके बाद अभी इसमें इन्हें देखें और भी रेवेन्यू कम कलेक्शन हुई है, और उसका फ़ायदा क्या हुआ है, लोग बेखौफ हो गए हैं, तरीके से चलते हैं, सीधी लाइन में जाते हैं, उन्हें पता ऊपर कैमरा लगा हुआ है, सिपाही का खौफ ख़त्म हो गया है। वहाँ मैंने ये भी कहा कि आपके पूरे शहरों में पुलिस, ट्रैफिक पुलिस कम नज़र आ रही है, उन्होंने कहा आपने खुद ही तो जवाब दिया है,
तो मैं ये चीजें हैं हमें सोचने की, इन पर करें। दुनिया कहाँ जा रही है और हम इधर कैंप लगा दें, सारे जोनों में कैंप लगवा दिए डिप्टी कमिश्नर साहब ने, भाई उसका खर्चा कौन देगा? उस पर जो गाड़ियां चल रही है उसके पेट्रोल कौन करेगा? किस लिए? ये तो ईडीओ हेल्थ जो इसको कहते थे हम, और अभी जो हेल्थ अथॉरिटी बनी हुई है, ये तो उसका काम था, हिफ्जाने सेहत का काम है ना, ये हाथों की सफाई, हाथ कैसे धोने हैं, कैसे लोगों को सिखाना है। तो जो खुद डिप्टी कमिश्नर के नीचे अथॉरिटी बनी हुई है और डिप्टी कमिश्नर उसका चेयरमैन है, वो किस लिए है भाई? मेरे पास कौन से लोग हैं हेल्थ से मुतालिक कि वो बताएंगे कि ये साबुन इस्तेमाल करना है, ये तौलिया इस्तेमाल करना है, ये टिश्यू पेपर इस्तेमाल करना है? दे आर नॉट ट्रेंड फॉर। तारिक साहब हैं आपके पास? नहीं, वो तो मेरा एक रिप्रेजेंटेटिव है ना, अगर उसको बता दिया जाए, उसके साथ एक हेल्थ का बंदा खड़ा कर दिया जाए, तो ही विल मेक श्योर कि इम्प्लीमेंटेशन जिस तरह लोगों ने सीखी हुई है, जो इसके एक्सपर्ट हैं वो खड़े हो जाएंगे। मेरे चेयरमैन को आप खड़ा कर लें, हर गली मोहल्ले में से आपको बंदे ला के देगा, उनको सिखाएं, आपका हेल्थ का आदमी हो, इंशाल्लाह वो मेरे आदमियों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वोट के तौर पर मैं एक अहम बात भी पूछना चाह रहा हूँ, मैंने वहाँ देखा आपके ऑफिस भी जाते हैं, तो वहाँ डिप्टी मेयर जितने हैं मियाँ मोहम्मद तारिक साहब से बहुत डरते हैं, आप भी डरते हैं? किस लिए? वो मेरा कुलीग है, मेरा भाई है, मेरा साथी है, मैं मेयर हूँ, वो डिप्टी मेयर है, डरने वरने की कौन सी बात है? पॉलिटिकल लोग कोई नहीं एक दूसरे से डरते, वो सिर्फ कानून कायदे के मुताबिक चलते हैं, अवाम उनको चेक करने के लिए हैं। अगर मैं किसी से डर गया तो इसका मतलब मैं अवाम से डर गया। अवाम से डरना चाहिए हमें और अवाम को हमने कल को जवाब देना है। मेयर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है और शिकवों से भरपूर गुफ्तगू है ये सारी, क्या इसमें बेहतरी अब लाई जा सकती है? अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि एज अ मेयर गवर्नमेंट को एज अ मेयर स्टेटस का ख्याल रखना चाहिए, और एज अ मेयर जो इनको बात अपनी कहनी चाहिए थी हुकूमत को, क्योंकि इसमें डिप्टी कमिश्नर का कोई कसूर नहीं है। डिप्टी कमिश्नर एक सरकारी तौर पे सर्वेंट हैं, आवाम की खिदमत के लिए बैठी हुई हैं। वहाँ पे वज़ीरे बल्दियात, चूँकि ये सारा जितना भी लाहौर में क्लीन एंड ग्रीन मुहिम चल रही है, ये लोकल गवर्नमेंट करवा रही है, लोकल गवर्नमेंट सरकारी सेक्रेटरी बल्दियात इसकी मीटिंग करते हैं, जिसमें डिप्टी कमिश्नर तमाम असिस्टेंट कमिश्नर को मदऊ किया जाता है, वो नहीं जाएंगे तो ज़ाहिर बात उनकी नौकरी है। अच्छा, सेकेंड यह है कि वज़ीरे बल्दियात कम अज़ कम मेयर लाहौर को बुलाते, उन्हें कहते कि जी आपके पास एक लंबी फौज है, इसको साथ लें और वर्किंग करवाएं। मगर फिर वही बात आ जाती है, अगर सियासत को देखा जाए तो वो क्यों बुलाएंगे? तरीकन साहब, ठीक है, ठीक है, अगर वैसे देखा जाए, स्टेटस को देखा जाए, तो वो कर्नल रिटायर्ड मुबशर जवेद को ना बुलाएं, वो सीट के मेयर को बुलाएं, वो मेयर को बुलाएं और एज आ उसको गवर्नर साहब इनके दौर में आके झाड़ू लगा सकते हैं, टाउन हॉल में आकर झाड़ू लगाया, उनकी बेगम ने लगाया, मेयर साहब की बेगम ने लगाया, मेयर साहब ने खुद लगाया। अगर मेयर लाहौर एज आ मेयर लाहौर डीसी की बात करेंगे तो मैं नहीं मानता कि डीसी क्यों नहीं चाहेंगी कि वो मेयर को बुलाएं या ना बुलाएं। जो अहकाम पीछे से, जो लाइन पीछे से, जो डायरेक्शन पीछे से आएगी, वो उसी के ऊपर बात करेंगे। बिल्कुल, आप मेयर लाहौर से बात कर लें, उनसे बात करें, पूछें कि जी वज़ीरे बल्दियात जो हैं वो अगर इनको मीटिंग में नहीं बुला रहे और कल सुबह ये सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं और वहाँ पे ये अपना केस जो है वो लड़ने जा रहे हैं, वो भी इख्तियारात से मुतल्लिक ही है, तो आगे क्या सूरत हाल है, किस तरह से चलना चाहते हैं ये या नहीं चलना चाहते, क्या एहतजाज करेंगे या नहीं करेंगे, आएंगे नहीं आएंगे? बैलट बाद लॉर्ड मेयर साहब आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि बेसिकली तो वजह तनाज़ा जहाँ से शुरू होती है, आपने ठीक है डीसी ऑफिस को बात ज़रूर आपने बताई, कन्वे भी किया, लेकिन वज़ीरे बल्दियात की जानिब से ये सारे मामला हैं, तो पीटीआई की हुकूमत भी है, आपका इख्तियारात का केस भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो ये चुमुखी लड़ाई कैसे लड़ेंगे आप? देखें जी, मैं लड़ता नहीं हूँ, मैं हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ आता हूँ, और मैं वज़ीरे बल्दियात से ये दरख्वास्त करूँगा कि हम पॉलिटिकल लोग हैं, आपस में बैठें, मुझे साथ बिठाएं, मैं पाबंद हूँ, वो मिनिस्टर हैं, मैं मेयर हूँ, उनकी जो पॉलिसी है वो हमारे साथ बैठ के डिस्कस कर लें कि उन्होंने क्या करना है, और जो 2013 का कानून है वो क्या कहता है, कानून को तो हम डेविएट नहीं कर सकते ना, तो अभी ये जो है ये डेविएशन हो रही है कानून की, कानून को फॉलो नहीं किया जा रहा। मैं आपको सेकंड करूंगा इसमें, वहाँ पे प्रोग्राम चल रहा था और अफीफ सदीकी साहब भी आए थे, अपोजिशन लीडर हैं, तो वो तो कहते हैं जी मैं वज़ीरे बल्दियात की जाके वज़ीरे आला पंजाब से शिकायत लगाऊंगा, तहफ़ुज़ात से आगाह करूंगा कि जी हक हमारा है, शहर से वोट हमने लिया है, हमारा मैंडेट चुराया जा रहा है, तो वो तो अपनी गवर्नमेंट के ऊपर ही बरस रहे हैं, तो यही चीज कम मिसालें, आप वो कह रहे हैं मैं शिकायत लगाऊंगा, आप कह रहे हैं मैं दरख्वास्त करूंगा, तो फर्क आ गया सर, उनकी पार्टी है वो मान से कह रहे होंगे, मान से ये क्यों लेके गवर्नमेंट है, आप ये देखें मेयर की सीट अपनी जगह,
देखिए कंडन रिटायर्ड मुबशर जवेद हो या ना हो, मेयर की स्टेटस एक है, हाँ मेयर की सीट है, मेयर की सीट के स्टेटस की हैसियत से बात करें कि ये तो आप उनसे जाकर खत लिखें बकायदा वजीर बल्दियात को। नहीं, उनका कहने का मतलब मुझे जो समझ आया है वो कहते हैं कि फीफ साहब तड़ियां लगा रहे हैं, आप प्यार से यही इनका कहने का क्रक्स यही है। देखिए मैंने साथ ये भी कहा था कि वो मिनिस्टर है, वो मेयर है, उनका दर्जा हुकूमत में मेरे से ऊपर है। आफिफ सिद्दीकी बहुत रीजनेबल आदमी है, बहुत ज़्यादा वो इस चीज़ को मानते हैं और इसके ऊपर अमल पैरा भी होते हैं कि जो डेमोक्रेटिकली लोग इलेक्टेड हैं उनको सामने लाना चाहिए, उनकी पॉलिसीज़ होनी चाहिए। देखें हम सब लाहौर के आवाम के लिए काम करना चाहते हैं ना, आफिफ सिद्दीकी भी मेरे साथ यही करना चाहते हैं तो मिनिस्टर साहब भी यही करना चाहते हैं। अब मिनिस्टर साहब को मजबूरी क्या है, दिस इज़ द पॉइंट टू डिस्कस। तो मिनिस्टर साहब से आप तुर्की से होकर आए हैं, वहाँ के सबका वजीर आजम बिन खल्दम ने कहा कि मैं दोबारा इस्तांबुल का इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ, इस्तांबुल है तो तुर्की है, तो आप भी तो मेयर हैं, आप भी सामने हैं, अपनी अपनी क्यादत के अपने चेयरमैन को बाहर लेकर आए, काली पट्टियाँ बांधे, शहरियों को बताएं आपका मैंडेट चोरी हो रहा है, आप बाहर आए ताकि हुकूमत को पता लगे कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आप यहाँ पे अभी तक दरख्वास्त कर रहे हैं, शहर के लोग आपका वेट कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये देखें दरख्वास्त मैंने आपको समझाया कि वो मिनिस्टर है और मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि कानून और जाब्ते के खिलाफ जाए, ठीक है। अगर उन्होंने कोई पॉलिसी बनाया है तो भाई हमारे लिए बनाया ना। और जहाँ तक आप फरमा रहे हैं कि जी पट्टियाँ बांधे, मैं तो उससे बहुत ऊपर चला गया, आपने ये सवाल एक दफ़ा पहले भी मेरे से पूछा था, पट्टियाँ बांध के टाउन हॉल के अंदर बैठे रहें कौन देखेगा, और अगर पट्टियाँ बांध के हम माल रोड पर आ जाएँ तो मैं तो सबको कहता हूँ कि माल रोड को मत बंद करें। तो अगर हमारे 200-300 जो इलेक्टेड लोग हैं वो आते हैं तो वो अकेले नहीं आते, उनके साथ अगर 10-10 आदमी भी आ जाएं जो बड़ी माशाल्लाह खुशी से आएंगे कि हम अपने राइट के लिए जंग लड़ रहे हैं, हमारे जो काउंसलर हजरात हैं अगर वो ही आ जाएं तो आप देखें अगर 2-3 हज़ार आदमी माल रोड के ऊपर आ जाए तो दुनिया क्या कहेगी हमें कि इलेक्टेड लोग ये क्या कुछ कर रहे हैं। इनको मैंने सारे आपने इनको गुजारिशात पेश करता रहा हूँ, इंटरिम गवर्नमेंट में भी, उसके बाद में भी, और उसके बाद अल्टीमेटली क्या हुआ, आई हैव गॉन टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और मुझे यकीन है पूरा। सबसे बड़ा एहतजाज ये था कि आपने अदालत आलिया और अदालत उज़्मा का एट द एंड दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खटखटाया और अल्लाह ताला ने मुझे चांस दिया कि मैं हाई कोर्ट से बगैर किसी ना किसी तरीके से पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में। और ये नहीं कि खुदा ना खास्ता मैं हाई कोर्ट पे बिलीव नहीं करता या ऐसी कोई बात है, मगर एपेक्स तो टॉप पे चला गया मैं, और कल भी तारीख है इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला आवारी आवाम की सुनेगा और हालात बेहतर होंगे। बहुत शुक्रिया जी, मेरे साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। वज़ीर बल्दियात को चाहिए था, वो पोलिटिकल आदमी है और पोलिटिकल चीज़ों को समझते हैं, कि मेयर साहब को बुलाते, इनकी टीम को साथ लेकर चलते तो क्लीन एंड ग्रीन मुहिम जो है इसमें चार चांद ही लगते और बेहतरी ही आती, क्योंकि उनके बहुत सारे इलेक्टेड लोग जो हैं एक निज़ाम के तहत एक कानून के तहत जो हैं वो उन्हें फरामोश किया गया। फातिह शहबाज़ खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के पास।